हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव बर्नौले में आपका स्वागत है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेवन्थ पॉलिटिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर। सो चैप्टर का नाम है यहाँ पे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो हेल्थ में क्या रोल यहाँ पे प्ले करती है, सो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है पहले हम करते हैं। सो डेमोक्रेसी, यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें जो गवर्नमेंट, जो सरकार होती है वो लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, ठीक है, लोगों की देखभाल के लिए काम करती है। सो यहाँ पे इसमें जो सरकार के द्वारा बहुत सारी जो मदद या सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है लोगों के प्रति, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार हो गया, हाउसिंग, यहाँ पे घर प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, रोड्स की यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी सरकार के द्वारा यहाँ पे लोगों को दी जाती हैं ये सुख सुविधाएं। अब यहाँ पे हेल्थ के बारे में देख लेते हैं कि हेल्थ एक्चुअल में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। हेल्थ का मतलब होता है कि हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो योग्यता है, वो कैसे हम यहाँ पे जो इलनेस, जो बीमारियाँ होती हैं या कोई भी इंजरी होती है उससे कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम इनसे फ्री या दूर रह सकते हैं, सो इसको बोलते हैं हेल्थ। अब जितने भी पैरामीटर्स हैं ऊपर जो हमने किए, ठीक है, और भी हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, वाटर, एम्प्लॉयमेंट, ये सभी क्या है, ये यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, हेल्थ से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे एजुकेशन, वाटर, एम्प्लॉयमेंट ये कैसे हेल्थ से कैसे रिलेटेड करते हैं, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी जैसे पानी है, अगर तो हम साफ पानी पीते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या होंगे, यहाँ पे हेल्दी होंगे, ठीक है, स्वस्थ रहेंगे पूरे जीवन। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो हेल्थ के रिलेटेड आपको एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है कि कैसे यहाँ पे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, किन किन चीज़ों से आप बचाव अपना रख सकते हैं, ये सभी एजुकेशन में प्रोवाइड की जाती है सभी चीज़ें, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको हेल्थ रिलेटेड कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ये एजुकेशन आपको दी जा रही है हेल्थी लाइफ के, क्या क्या आपके अधिकार हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो आपकी यहाँ पे रक्षा करते हैं, ठीक है, ये सभी हम यहाँ पे एजुकेशन लेवल में देखते हैं और सीखते हैं इनको। दूसरी यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर तो यहाँ पे लोग जितना भोजन उन्हें खाने के लिए ज़रूरी है अगर वो नहीं खाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उनकी जो कंडीशंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे तनावपूर्ण हो जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पे सही से यहाँ पे वो जी नहीं पाएंगे और बीमारियाँ उनको घेर लेंगी, ठीक है। ऑब्वियस अगर खाना हम सही टाइम पे नहीं खाएंगे या कंप्लीट जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है खाना उतना नहीं खाएंगे तो बीमार हम पड़ेंगे ही, डेफिनेटली वो क्लियर है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इस चैनल के ऊपर आपको 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे करवाए जाएंगे। साइंस 7 से 10 तक की, स्पोकन कोर्स, गवर्नमेंट एग्जाम सभी वीडियो अपलोड हो चुकी है इनकी, जो नीचे आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और जो यहाँ पे नोट्स होंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स ये देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हाउ कैन वी हेल्थी, हम यहाँ पे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी जो उत्साह होना चाहिए वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, तब जाके हम हेल्थी लाइफ है जो जी सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप कोई भी काम कर रहे हो बहुत ही डल तरीके के साथ कर रहे हो, उसमें बिल्कुल भी आप एक्टिव नहीं हो, बहुत ही आपको चिंताएं, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको अपनी फैमिली की चिंता है या बाहर क्या हो रहा है उसकी चिंता है, या खेलने की चिंता भी कब मैं खेलने जाऊंगा, या डरे हुए हो किसी चीज़ से लेके, अगर तो आप ये सभी चीज़ें अपने मन में अपने बॉडी में रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप हेल्थी लाइफ नहीं जी सकोगे, क्लियर है। हमें चाहिए कि यहाँ पे बिना मेंटल स्ट्रेन, बिना किसी तनाव के हमें अपने जीवन को जीना चाहिए और यहाँ पे खुश रहना चाहिए अपने जीवन के प्रति। ये जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी यहाँ पे रूप हैं, ये सभी क्या करते हैं, हमारे हेल्थी लाइफ को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा देते हैं और हम सही तरीके के साथ समाज में, सोसाइटी में रह सकते हैं बहुत ही अच्छे वे के साथ। आई होप आपको पता लगा होगा कि कैसे हम हेल्थी रह सकते हैं। अब यहाँ पे इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो किस प्रकार का है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे पूरे विश्व में, इंडिया में,
और यहाँ पे जो इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हर साल यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, वो बनते हैं। सो 30,000 से भी ज़्यादा डॉक्टर हर साल क्वालिफाई होते हैं हर साल। इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है कि इंडिया से बाहर की जो कंट्री है वो इंडिया में आती है इलाज करवाने के लिए, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यूएसए के लोग हैं, वो यूएसए में इलाज नहीं करवा रहे लेकिन वो इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया में आ रहे हैं, अब ये क्या हो जाएगा, मेडिकल टूरिस्ट हो जाएंगे। अब आने का कारण क्या है यहाँ पे, अभी देखो, अगर तो वो यूएसए में इलाज करवाएंगे तो उनको यहाँ पे जो पैसा वो डॉलर में पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट होंगी वो भी क्या होंगी, बहुत सर ज़्यादा महंगी होंगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो भारत में आते हैं तो यहाँ पे जो उनको पैसा पे करना पड़ेगा वो रुपीस में पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है, रुपीस में यहाँ पे पैसा पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो सस्ती प्रोवाइड की करी जाती है, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। सो इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इंडिया में। सो यहाँ पे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन पूरे विश्व में, यहाँ पे जो मेडिसिन प्रोड्यूस की जाती है अलग अलग तरह की। सो इंडिया का यहाँ पे तीसरा रैंक है। सो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हेल्थ केयर में, इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर रिलेटेड। सो ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो लोग होते हैं जो गांव में होते हैं रूरल एरियाज़ में होते हैं उनको बहुत दूर यहाँ पे डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है डॉक्टर तक पहुँचने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो एक प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या कर रही है, यहाँ पे पैदल ही बहुत किलोमीटर यहाँ पे उसके द्वारा चला जा रहा है और फिर वो डॉक्टर तक अपनी जो बेसिक फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्राप्त करेगी। सो ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गांव में बहुत ही बुरा हाल होता है, जो डॉक्टर्स या जो भी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल होते हैं वो गांव में बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। सो ऐसे में जो गांव के लोग होते हैं उनको बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। सो यहाँ पे जो एक एस्टिमेट, यहाँ पे 5 लाख पीपल, ठीक है, ये जो हर साल मर जाते हैं, ठीक है, बीमारी कौन सी है, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस। सो इस बीमारी के कारण हर साल 5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो मर जाते हैं। मलेरिया के जो हर साल जो केस देखे जाते हैं, ठीक है, वो कितने यहाँ पे 2 मिलियन, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 मिलियन के आसपास, यानी कि 20 लाख यहाँ पे जो मलेरिया के केसेस देखे जाते हैं इंडिया में। सो यहाँ पे 21% जो बीमारियाँ यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं ये कहाँ से जन्म लेती हैं, ये वाटर बॉर्न डिसीजेज होती हैं, पानी से जन्म लेती हैं। अभी जैसे डायरिया हो गया, वॉर्म्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, ये जितनी भी बीमारी हैं ये सभी पानी से ही जन्म लेती हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीजेज होता क्या है, यहाँ पे वो बीमारियाँ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीजेज बोला जाता है। अब यहाँ पे ये जो डिसीजेज होती हैं या तो ये वाटर के थ्रू फैलती है या फूड के थ्रू जो खाना खा, ठीक है, या एयर के थ्रू फैलती हैं। अब यहाँ पे हाफ ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन इंडिया, अगर इंडिया में बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन हैं उसका जो 50% उनको यहाँ पे जो इनफ फूड है वो यहाँ पे प्राप्त नहीं होता, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है भोजन खाने की, जिसकी वजह से उनमें कुपोषण की कमी देखने को मिलती है, ठीक है, माल न्यूट्रिशंस। सो नेक्स्ट है यहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, सो इसके बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स होते हैं इसको चलाने का काम किसका होता है, वो सरकार का काम होता है इनको चलाने के लिए। सो यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है इसकी देखभाल की जाती है। सो जो बहुत बड़ा सेक्शन होता है पॉपुलेशन का जो विलेजेस में देखने को मिलेगा या अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगा, सो ये सभी यहाँ पे डील किया जाता है किनके द्वारा, हेल्थ केयर सिस्टम, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है इनके द्वारा। सो विलेज लेवल में आप देखोगे कि जो नर्सेज या विलेज हेल्थ वर्कर्स होती हैं वो जो कॉमन डिसीजेज होती हैं उनसे डील करती हैं, ठीक है। सो इनको जो ट्रेनिंग मिलती है अंडर दी प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, इनके अंडर यहाँ पे इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर डिपार्टमेंट के अंडर।
सिमिलरली अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर देखोगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने हुए हैं जो यहाँ पे सुपरवाइज करते हैं जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, यहाँ पे संचालन करते हैं कि काम यहाँ पे सही वे के साथ हो रहा है या नहीं। सो ओपीडी, ओपीडी क्या होता है, यहाँ पे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। सो सबसे पहले जो पेशेंट्स ठीक है इकट्ठे होते हैं वो सभी यहीं पे होते हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है इनका, ठीक है, बिना किसी स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किए बिना सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है पेशेंट्स को। सो यहाँ पे रिसोर्सेज, अब यहाँ पे जितने भी ये हॉस्पिटल्स हैं इनको चलाने के लिए रिसोर्सेज की यहाँ पे आवश्यकता होती है। रिसोर्सेज कैसे, जैसे मनी हो गया, अब ये मनी आती कहाँ से है? अब यहाँ पे जो पब्लिक पब्लिक है ठीक है, जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं, ये जो टैक्स लोगों के द्वारा पे किया जाता है सरकार इन्हीं पैसों को यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर लगाती है, ठीक है। चलो आपको यहाँ पे कंडीशन तो पता ही होगा कि आज के समय में कैसी कंडीशन है, ठीक है, उसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सो यहाँ पे प्रोवाइड करता है गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, या तो इनके द्वारा ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं या तो ये फ्री करवाई जाती है या इसका बहुत ही कम कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसे आप जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उसमें आप जाओगे, सबसे पहले यहाँ पे पर्ची कटवाते हैं, पर्ची या तो 5 रुपये या 10 रुपये ठीक है, इतनी यहाँ पे पर्ची होती है या फ्री भी होती है यहाँ पे। फिर डॉक्टर के द्वारा देखा जाता है, ठीक है, वो दवाई लिखते हैं, कुछ दवाइयाँ अंदर से मिल जाती हैं, कुछ वो दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं, ठीक है। सो ऐसे में यहाँ पे सिस्टम चलाया जाता है इनके द्वारा। सो यहाँ पे जो पुअर लोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पे बहुत ही लाभदायक सिस्टम होता है, जैसे फ्री में यहाँ पे उनको दवाई मिल जाती है, ठीक है, ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन जो यहाँ पे लिया जाता है सरकार के द्वारा वो क्या होता है, यहाँ पे जो बीमारियाँ होती हैं उनको फैलने से रोकने के लिए इनके द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां जैसे टीबी हो गया, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो इनको रोकने के लिए सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, अब मलेरिया जो ये फैलता है, ठीक है, मच्छर जो होते हैं वो मेनली कहाँ पर फैलते हैं, जहाँ पर पानी होता है। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो घर में जाके चेक करते हैं कि कहीं पे जैसे कूलर में देखते हैं पानी वगैरह तो यहाँ पे नहीं इकट्ठा किया हुआ। सो टाइम टू टाइम वो जाते हैं और लोगों को यहाँ पे जागरूक करते हैं इनके बारे में। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके अनुसार यहाँ पे ये प्राइमरी ड्यूटी, ये सबसे पहली ड्यूटी बनती है सरकार की कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करे और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुख सुविधाएं हैं वो सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। सो गवर्नमेंट को यहाँ पे लोगों के यहाँ पे लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे काम करना चाहिए, ये भी अधिकार यहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है। सो मिशन इंद्रधनुष जो चलाया गया था, हेल्थ मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था दिसंबर 2014 में। अब इनके द्वारा यहाँ पे जो बेसिक यहाँ पे वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड की जाती है, अभी जैसे टैटनस हो गया, पोलियो हो गया, मेशल्स, ठीक है, जो खसरे का टीका होता है। सो ऐसी जो बेसिक यहाँ पे वैक्सीन, ठीक है, 8 वैक्सीन यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च की गई थी, यहाँ पे कुछ हैं इसकी उदाहरण, ठीक है। सो ये मिशन इंद्रधनुष के द्वारा यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। सो डॉक्टर्स यहाँ पे, ठीक है, उनके अपने प्राइवेट क्लिनिक होते हैं डॉक्टर्स के। रूरल एरियाज़ में आपको RMPs देखने को मिलेंगे, RMPs होते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, सो ये आपको गांव में देखने को मिलेंगे। अर्बन एरिया में जो डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे टेस्ट सुविधाएं हो जाएंगी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सभी यहाँ पे सुख सुविधाएं दी जाती हैं प्राइवेट जो सेक्टर होता है, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर होता है उसमें। सो यहाँ पे आपको शॉप्स भी बहुत सारी देखने को मिलती होंगी जहाँ से, ठीक है, जो केमिस्ट की शॉप्स होती हैं जहाँ से दवाइयाँ खरीदते हैं, ये सभी भी प्राइवेट सिस्टम का ही हिस्सा है। सो यहाँ पे इसको गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं किया जाता, सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स होते हैं यहाँ पे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पैसा है वो देना पड़ता है सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे डायग्राम दिख रही है, सो यहाँ पे जो पब्लिक सॉरी जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, उनकी कंडीशन आप देख सकते हैं एज कंपेरिजन टू जो
पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं, यहाँ पे आपको सुख सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो पैसा है, जो मनी है, वो भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। जो हमारे देश में हेल्थ केयर है, और यहाँ पे देखेंगे कि क्या इक्वल सिस्टम है पूरे इंडिया में, ये भी देख लेते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज हैं ये इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर्स मेनली अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलेंगे, गांव में तो वो देखने को नहीं मिलेंगे। सो कॉस्ट है यहाँ पे, जो ये सर्विसेज इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो उनका कॉस्ट बहुत हाई होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा भी, सो मेडिसिन इनके द्वारा जो दी जाती हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। सो बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते इन दवाइयों को खरीदने के लिए, या जो भी ट्रीटमेंट उन लोगों को करवाना होता है, सो ऐसे में इन लोगों को कर्जा लेना पड़ता है, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब इसके साथ में इनकोरेक्ट प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जा रही है आज के समय में, जो प्राइवेट सेक्टर है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो जान के यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर देते हैं अननेसेसरी मेडिसिन एंड इंजेक्शन, जिनका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होना होता, वो भी साथ में यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, सो ऐसे में यहाँ पे जो टेबलेट्स या सिंपल मेडिसिन अगर उनसे काम चल रहे हैं, वो ये जान के नहीं लिखेंगे, वो इनके साथ में जान के एक्स्ट्रा दवाइयाँ भी लिख देते हैं जिनसे उनको ज़्यादा मुनाफा हो सके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप सब्ज़ी लेने जाते हो, ठीक है, सब्ज़ी लेने जाते हो, कोई भी सब्ज़ी खरीदी आप साथ में यहाँ पे धनिया मिर्च फ्री पा लेते हो वहाँ से, ठीक है, ऐसे यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप सब्ज़ी लेने तो जा रहे हो, मतलब कि दवाइयाँ लेने जा रहे हो, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा दवाइयाँ जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती वो यहाँ पे डाल के दे देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो वो एक्स्ट्रा मटेरियल हमें देते हैं धनिया मिर्चें, वो फ्री होती हैं, उनका यहाँ पे कोई पैसा देना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दवाई डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं यहाँ पे हमें पैसे पे करने होते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ 20% जो पॉपुलेशन है वो मेडिसिन को अफोर्ड कर सकती है, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, ऑब्वियस इंडिया में ही हम बात कर रहे हैं इसकी। सो 40% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं, या जो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करते हैं, वो बेच देते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं इलनेस या इंजरीज को यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। अब अगर बात की जाए गरीबों के लिए, तो यहाँ पे जितनी भी इलनेस है फैमिलीज में अगर तो आती है, अभी कोई बीमारियाँ फैमिलीज में आ जाए, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा ये चिंता का विषय बन जाता है, और वो दुख में ही अपना जो जीवन है व्यतीत करते हैं। ऑब्वियस वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते आज के समय में, जैसे प्राइवेट सेक्टर वो बहुत तेज़ी के साथ इनक्रीज़ हो रहा है, या जो गाँव के लोग हैं उनके आसपास उन्हें जो ये बेसिक फैसिलिटी है वो नहीं देखने को मिलती। सो उसके बाद है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। सो यहाँ पे ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं वो लोगों तक यहाँ पे पहुँचाए, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। सो हेल्थ यहाँ पे डिपेंड करती है बेसिक एम्यूनिटी, जो सुख सुविधाएं यहाँ पे सरकार के द्वारा दी जाती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और यहाँ पे जो सोशल कंडीशन होती है लोगों की उसके ऊपर भी यहाँ पे निर्भर करती है। अगर यहाँ पे हम दो एग्जांपल देखेंगे मेनली, एक केरला की एग्जांपल देखेंगे और दूसरा कोस्टारिका की एग्जांपल देखेंगे। कोस्टारिका यहाँ पे एक देश है, केरला यहाँ पे स्टेट है इंडिया की। सो यहाँ पे 40% जो यहाँ पे बजट था केरला का, इसने यहाँ पे जो पंचायत को, ठीक है, यहाँ पे पंचायत के ऊपर लगाया था 40% जो स्टेट का बजट था। सो ऐसे में यहाँ पे इनके द्वारा देखा गया कि जो प्रॉपर प्लानिंग होती है, जैसे वाटर सप्लाई स्कीम्स, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन, आंगनवाड़ीज, हेल्थ केयर, इन चीज़ों के ऊपर इन लोगों ने ज़्यादा फोकस दे के चले थे, और यहाँ पे जो हेल्थ सेंटर से उनको भी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया इन लोगों के द्वारा। हाँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ मुश्किलें आई, सो उन्होंने नोट डाउन किया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती हुई है, या क्या क्या चीज़ें कहाँ पे ज़्यादा चाहिए, सो इन लोगों के द्वारा वो सभी सॉल्व की गई। सो आज के समय में आप देख सकते हैं, सो केरला यहाँ पे अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत आगे है। सो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे कोस्टारिकन अप्रोच। सो कोस्टारिका यहाँ पे क्या है, ये एक सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है, ठीक है, सो ये सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की, ठीक है। यहाँ पे हम पहले मैप में देख लेते हैं, सो ये रहा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और ये नीचे रहा यहाँ पे साउथ अमेरिका,
इन दोनों के बीच में यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका ये रहा। सेंट्रल अमेरिका में आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, सो ये रहा यहाँ पे कोस्टरिका। सो कोस्टरिका यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, सो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बिल्कुल बीच में आपको देखने को मिलेगा। सो कोस्टरिका ने यहाँ पे डिसाइड किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि हम अपने देश में आर्मी को नहीं रखेंगे, इतना ज़्यादा पैसा हम आर्मी के ऊपर क्यों खर्च करें, हम ये जितना भी पैसा है ये हम यहाँ पे लोगों की सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च करेंगे। सो ये यहाँ पे इनका कहना था। सो इन्होंने यहाँ पे जो मनी है, ठीक है, उनको यहाँ पे स्पेंड करा हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करवाया। सो कोस्टरिकन गवर्नमेंट यहाँ पे विश्वास करती है कि यहाँ पे कंट्री को हेल्थी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तभी उसकी जो डेवलपमेंट है वो सही वे के साथ यहाँ पे हो सकती है। सो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन, मोर फोकस दे के चलना चाहिए लोगों की हेल्थ के ऊपर। सो ये कहना था कोस्टरिका सरकार का। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया था। सो यहाँ पे आपकी बुक में एक स्टोरी भी है, स्टोरी ऑफ द हाकिम शेख। सो ये आप पढ़ सकते हैं। सो इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे गिवन है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचते रहेंगे। अपने आसपास सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।